वेलकम टू आहुजास रेसिपी। आज हम आपके लिए लाए हैं स्वादिष्ट और हेल्दी वेजिटेबल कॉर्न सूप। सूप सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आप रोजाना अपनी डाइट में सूप को शामिल करते हैं तो इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहती है और भूख भी अच्छी लगती है। डॉक्टर भी लाइट फूड में सूप को ही प्रेफर करते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये सभी हेल्दी चीज़ें हम सूप में डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें कुकर में 50 ग्राम बीटरूट, 50 ग्राम गाजर और 200 ग्राम टमाटर को बड़े टुकड़ों में काट कर लेना है। हाफ टी स्पून नमक और सभी सब्जियां डूबे उतना पानी डालना है। अब कुकर का ढक्कन बंद करके 4-5 सीटी लगने तक सब्जियों को बॉईल कर लेना है। हम कुकर खोलकर सब्जियों को चेक कर लेंगे। हमारी सब्जी पक चुकी है। इसे हमें अच्छी तरह ठंडे होने देना है। सूप की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक साथ हम कई सब्जियों को यूज कर सकते हैं। सब्जियां ठंडी हो चुकी हैं, फिर उसे मिक्सर जार में डालकर बारीक पीस लेना है। आप अलग अलग सब्जियों के कॉम्बिनेशन के साथ सूप में वैरायटी भी ला सकते हैं। इससे टेस्ट भी बना रहेगा और बॉडी को भी हाई फाइबर मिल जाएगा। हमने सब्जियों को पीस लिया है। अब हम इस पेस्ट को अच्छी तरह से छान लेंगे ताकि इसके छिलके अलग हो जाएं। छान कर सूप बनाने से सूप एकदम स्मूथ बनता है। सारी सब्जियों के पेस्ट को हमने अच्छी तरह से अब छान लिया है। हमारा पेस्ट तैयार है। इसमें थोड़ा पानी हमें और डालना है। अब गैस चालू करके एक पैन में 1.5 टेबलस्पून ऑयल लें। आप बटर भी डाल सकते हैं। तेल को अच्छी तरह गरम होने दें। हाफ टी स्पून जीरा डालें। जीरा को अच्छी तरह से फूटने दें। वन फोर्थ टी स्पून हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते डालकर मिलाएं। मैंने यहाँ 100 ग्राम मकई के दाने छीलकर उसे 4-5 सीटी लगने तक बॉईल कर लिया था। अब हम कॉर्न डालकर उसे थोड़ा पकाएंगे। वन फोर्थ टीस्पून नमक डालें। वन फोर्थ टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़े से कटे हुए पुदीने के पत्ते डालकर अच्छी तरह से एक बार मिक्स करें। फिर पेस्ट डालकर मिक्स कर लें। जो लोग अपना वेट लूज करना चाहते हैं वह सूप का सेवन जरूर करें। ज्यादातर डाइटिशियन अपने हेल्थ चार्ट में भी सूप को शामिल करते हैं। इससे आपको वीकनेस भी फील नहीं होती। सूप को हमें 4-5 मिनट स्लो मीडियम फ्लेम पर पकाना है। सूप आपको जितना गाढ़ा या पतला रखना हो आप रख सकते हैं। तो गर्मा गर्म टेस्टी सूप तैयार है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।